हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेट जीआरएफ के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन कुछ लाई हूँ यूनिट सिक्स के। आपका जो यूनिट सिक्स है आवासीय व आंतरिक डिजाइन, जिसमें आपका फर्नीचर व साजसज्जा है, तो इससे रिलेटिव कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। चलिए आज की वीडियो में वो देख लेंगे। अगर आपको मेरे TGT PGT नेट LT ग्रेड RPC फर्स्ट ग्रेड की नोट चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, जब कोई भी घर है, ठीक है, उसका जब को भवन का घर बनाने के लिए कोई भवन है उसका घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से ये आवश्यक नहीं है कि कोई बाह्य की संरचना पूर्ण हो जाए, तो ये आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य पूरा हो गया। भवन में निम्नलिखित कौन कौन सी सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। ठीक है, तो भवन में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएँ हैं जो उपलब्ध होंगी जो उसे घर बनाएंगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है, कोई भवन उसे घर बनाने के लिए निर्माण करेंगे, तो बाह्य संरचना अगर अच्छी से बन गई तो ये आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया। तो ऐसे कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जो उस भवन को घर बनाती हैं। पहला, दीवार की सज्जा। दूसरा, ये कहते हैं जल आपूर्ति के साधन। तीसरा है नमी। चौथा है ताप नियंत्रक उपकरण। और फिर पाँचवा, क्षैतिज परिचालन। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से बताएं। आप लोग बताएं, भी मैं बता रही हूँ कि बाहरी रूप से मतलब सुंदर बन जाए वो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ों से घर बनाएंगी। ठीक है, तो क्या चीज़ होगी मैं बताती हूँ, आप लोग बता रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। देखिए, आपकी दीवार की सज्जा, जल आपूर्ति के साधन, बिल्कुल जब तक जल नहीं होगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ताप नियंत्रक उपकरण, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, फिर है नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभी कथन ए है और दूसरा तर्क है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, प्रकाश की व्यवस्था अवश्य रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। जो प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं हम, वो अवश्य रोचक होनी चाहिए और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, कारण आर क्या है इसका, प्रकाश के सभी खुले स्रोत आंखों को देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हमें बताना कथन और जो कारण बता रहा है वो सही है कि गलत है। तो ये कथन ए कह रहा है कि प्रकाश की व्यवस्था अवश्य रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होनी चाहिए, पर जो प्रकाश की हम उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसा। ठीक है, और कारण ये बता रहे हैं कि प्रकाश के सभी खुले स्रोत आँखों को देखने में अच्छे लगते हैं, ये कारण ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या राइट आंसर है, तो इसमें राइट आंसर ए है, क्योंकि प्रकाश की व्यवस्था अवश्य रोचक और सौंदर्य अभिरुचि को तृप्त करने वाली, ये कथन सही है, पर ये जो कारण ये बता रहे हैं ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। फिर अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परिवर्तित होती है, जैसे किसी कार की हेडलाइट। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जिसे देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष जिसे नहीं देख सकते, तो अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से आंखों में परिवर्तित होती है, जैसे किसी कार की हेडलाइट आगे पीछे देखने वाले शीशे में। इस अवस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित विकल्प को चुनिए। ठीक है, पहला है अप्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत का कोर बदलना। दूसरा है शील्ड का प्रयोग करना। तीसरा, ये कह रहे हैं परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं। चौथा है रात को पीछे देखने वाले शीशे का प्रयोग नहीं करना। पांचवा है पीछे देखने वाले शीशे पर रंगीन फिल्म लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इन्होंने कहा अप्रत्यक्ष चकाचौंध एक सतह से
आँखों में प्रतीत होता है, जैसे किसी कार की हेडलाइट, जैसे किसी कार की हेडलाइट आपके पीछे वाले शीशे में। इस अवस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित विकल्प को चुनना चाहिए, ठीक है? तो कौन से विकल्प है इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ए। तो इसके विकल्प राइट है 1, 2, 3, ठीक है? जैसे आप प्रत्यक्ष प्रकाश स्रोत का कोर बदलना, ठीक है, शील्ड का प्रयोग करना, शील्ड का प्रयोग करने से भी परावर्तक सतहों के आसपास रणनीतिक रूप से हुड या वाइजर रखे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष कथन बोलने अप्रत्यक्ष प्रकाश समान रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण है। कारण ये बता रही है कि ये प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कमरे में वापस प्रतिबिंबित होता है। तो ये कथन बता रहे हैं कि अप्रत्यक्ष जो देखा ना जा सके, अप्रत्यक्ष प्रकाश समान रोशनी के लिए आदर्शपूर्ण होता है। समान रोशनी के लिए क्या होता है? आदर्शपूर्ण होता है, ठीक है? और यह प्रकाश छत की ओर निर्देशित होकर कमरे में वापस प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो ए और बी आर, ए और आर यानी कथन और कारण बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। फिर दिसंबर 2013 में अभिकथन ए में बोला गया, दीवार और छत को हल्के रंग निष्प्रभ पेंट के साथ पेंट करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है। तर्क ये दे रहे, रंग हल्का होने पर भी निष्प्रभ पेंट उन्नत का प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, ठीक है? तो ये क्या है अभिकथन? ये बोल रहे कि दीवार और छत को हल्के रंग और निष्प्र पेंट के साथ रंग करने से कमरे का आकार छोटा जाता है, बिल्कुल सही है। और तर्क ये दे रहे हैं कि रंग हल्के होने पर निष्प्र पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को क्या कर लेता? अवशोषित कर लेता। ये जो उन्होंने तर्क दिया है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोनों कथन क्या है? सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके यूनिट 6 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये नेट और जीआरएफ के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, कुछ नए क्वेश्चन के साथ।